बता दें जहां नामांकन भरने का समय खत्म हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से, नामांकन भरने का समय खत्म हुआ। कांग्रेस अब तक जारी नहीं कर पाई शेष सूची, 85 में से 23 वार्ड की सूची अब तक जारी नहीं हुई है। भाजपा ने हालांकि कल ही जारी कर दी थी 85 वार्ड की सूची, तो 85 में से 23 वार्ड की सूची फिलहाल कांग्रेस ने जारी नहीं की है। भाजपा ने हालांकि 85 वार्डों की सूची जारी कर दी थी, 3 बजे तक का समय था और अब समय जो है वो खत्म हो चुका है नामांकन भरने का। और ऐसे में कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 85 में से 23 वार्ड की सूची फिलहाल अभी तक जारी नहीं हुई है। एक शक्ति प्रदर्शन हमने देखा था, इंदौर में भी सामने आया था, जहां पर आज नामांकन दाखिल करना था, 3 बजे तक का समय था, 18 जून आज की तारीख रखी गई थी। और ऐसे में बीजेपी ने जब 85 वार्डों की सूची जारी कर दी, अपने पत्ते खोल दिए, उसके बाद तक कांग्रेस ने 23 वार्ड की जो सूची है फिलहाल जारी नहीं की है 85 में से, और जो समय था वो भी खत्म हो चुका है। तो इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, शक्ति प्रदर्शन एक मेला जो था आज दिखाई दिया बीजेपी कांग्रेस की तरफ से, जिस तरह से नामांकन दाखिल करना था, प्रत्याशी पहुंच रहे थे, आप देख रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से शक्ति प्रदर्शन इंदौर में आज दिखाई दिया। महेश मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। महेश, 85 में से 23 वार्ड की सूची जारी नहीं हो पाई, क्या बड़ी वजह रही? कांग्रेस अब तक मंथन ही चिंतन करती रही। बिल्कुल, कांग्रेस को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे इंदौर में खासतौर पर कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से जमीनी तौर पर विरोध देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं का, और भारतीय जनता पार्टी में लगभग 3600 सीरियस बायोडाटा पहुंचे थे 85 वार्डों के, उसके बावजूद कल शाम 5 बजे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 85 वार्ड की सूची जारी कर दी। उसकी दूसरी तरफ देखे तो कांग्रेस में लगभग 1000 के आसपास में आवेदन आए थे, पर सूची कांग्रेस कल भी नहीं जारी कर पाई। कल रात में सूची एक जारी हुई जिसमें 23 वार्ड को होल्ड पे रखा गया था, 23 वार्ड के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई थी, जिसके लिए कहा गया था कि आज दिन में 1 बजे ये सूची जारी कर दी जाएगी, क्योंकि 3 बजे तक का समय था। और उसके पहले सभी लोगों को कहा गया था कि आप जाएं और अपना फॉर्म भर दें, हम भी फॉर्म आपको बाद में मुहैया करा देंगे, 1 बजे आपको सूची मिल जाएगी। पर 3 बजे का समय समाप्त होने के बाद में 3:30 बज चुके हैं इस वक्त, और अभी तक कांग्रेस 23 वार्डों की सूची जारी नहीं कर पाई है। इसके पीछे की बात ये बता रहे हैं कि स्थानीय स्तर के जो नेता हैं और जो बड़े पूर्व मंत्री और जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, जिनका इंदौर से खासा लेना देना है, वो सभी अपने अपने समर्थकों के नामों पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते इतनी कशमकश के बावजूद ये सूची को जारी नहीं किया जा सका है। इसका एक और आपको मैं बताऊं कि इंदौर में भारतीय माफ कीजिएगा कांग्रेस का जो दफ्तर है गांधी भवन, उस पर ताला डला हुआ है। गांधी भवन में पिछले 4 दिनों से कोई भी बड़ा नेता वहां नहीं बैठ रहा है, सब अलग अलग जगह से टिकट बांटने की बात कर रहे हैं, और इंदौर के एबी रोड स्थित एक बड़ी प्राइवेट होटल, एक निजी होटल के कमरे से बैठकर कांग्रेस ने सूची तैयार करके वहां से टिकट की घोषणा की थी। उसके बावजूद भी अभी तक 23 ऐसे वार्ड है जहां पे कांग्रेस अपना कोई अधिकृत प्रत्याशी की, तो महेश अब 3 बजे तक का समय था तो वो तो समय खत्म हो चुका है, तो क्या अब आगे किस तरह का और समय दिया जाएगा, क्योंकि 23 वार्डों का फिर आगे क्या होगा? इसमें टेक्निकली कोई इसमें परेशानी नहीं आएगी, ये एक साइकोलॉजिकल कहें या फिर यूं कहें कि पार्टी के अंदर एका नहीं है जिसका ये परिणाम है। दरअसल जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके तहत आज दोपहर 3 बजे तक के नामांकन भरा जा सकता है। नामांकन कांग्रेस के सारे वार्ड से जो उनके अलग अलग दावेदार हैं उन्होंने भरा, एक वार्ड से 5-5, 6-6। महेश आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर, और इंदौर की हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से 85 वार्डों में से बीजेपी ने तो अपने नामांकन दाखिल करवा दिए, प्रत्याशियों के नाम का घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस की 23 वार्ड की सूची फिलहाल अटकी हुई है, होल्ड पर है, क्या कहेंगे आप? नहीं, अब तो बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए, अब काय का होल्ड, 3 बज गए हैं। और बेसिकली देखिए क्या हुआ है, मैं तो मतलब मुझे तो लोग अब कांग्रेस का विसिल ब्लोअर कहने लगे, तो वो क्या है चुपचाप बता देते हैं सब, और आपको मैं बता दूं वो पीछे से बहुत लंबा और मोटा गेम हुआ है इसमें भी जी। और इंदौर आप जानते ही हैं, आपको पता ही होगा कि संजय भैया की जो संपत्ति है वो 170 करोड़ की, तो उनकी संपत्ति है मेयर प्रत्याशी की, सबसे धनाढ्य व्यक्ति है जी। और जो पार्टी अध्यक्ष हैं वो भारत में सबसे धनाढ्य पार्लियामेंटेरियन रहे हैं जी। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में जो है पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये 23 में भी कुछ ना कुछ खेल हुआ है, शाम कुछ फोन आए थे मैं अटेंड नहीं कर पाया हूँ, शाम तक मेरे पास जानकारी आ जाएगी, आप लोग भी पता करिए, लेकिन इसमें भी एक मोटा माल कुछ ना कुछ लेन देन। फिर भी आपको क्या लगता है वाजपेयी जी, अभी आपने कहा कि लंबा गेम जो है वो नजर आता है, पैसों का भी खेल नजर आता है, क्या लगता है आपको, क्या क्या खिचड़ी पक रही है अंदर?
एक पार्षद मतलब आप मान के चलिए मुरैना में 7 से 10 लाख था, तो इंदौर डबल कर दीजिए आप, जो कांग्रेस में स्थिति देखने में आई थी। तो अब आप जब इसको ऐसा करेंगे तो 23, सोचिए 23 टिकट का क्या वैल्यू रहा होगा। तो बड़ा बिजनेस हुआ था, इसका जवाब तो कमलनाथ जी को देना। बिल्कुल, तो फिलहाल बता दें आपको कि 23 वार्डों की सूची होल्ड पर रखी गई है, 85 वार्ड में। बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी बातचीत करने के लिए। महेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।